वेलकम टू जेके लेक्चर्स अगेन। एंड लास्ट दो क्लास में हम लोग पढ़े थे ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन के बारे में। सो आई जस्ट मूव्ड टू अ डिफरेंट सिस्टम एंड चेक हाउ इट वर्क्स विद द ग्रीन स्क्रीन एंड अपार्ट फ्रॉम लाइट बोर्ड एंड नॉर्मल बोर्ड। सो इसमें इस लेक्चर में बस हम रिवाइज करेंगे कि लास्ट दो लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो कैसे रिलेट होता है और कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग करके देखेंगे कि कैसे क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होता है, क्या क्या स्टेप्स है, एंड देन हम लोग फाइनली जाएंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में और देखेंगे फाइनली एटीपी कैसे बनता है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वेरी फर्स्ट प्रोसेस दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस। ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक ग्लाइकोज और दूसरा लाइसिस। ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। तो शुगर का ब्रेकडाउन इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ ऑपरेट होता है? इट ऑपरेट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। और ग्लाइकोलाइसिस डिपेंड नहीं करता है कि O2 प्रेजेंट है या फिर O2 एब्सेंट है। तो O2 के प्रेजेंस या एब्सेंस पे कौन सा प्रोसेस डिपेंड नहीं करता है? ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि इस स्टेप में कहीं भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे के स्टेप में हम लोग देखेंगे कहाँ पे ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है और ये फाइनली क्या बाई प्रोडक्ट बनाता है। तो बोलते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मैटर नहीं करता। देखेंगे हम लोग साइंटिस्ट के बारे में जो इसको डिस्कवर किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। तो तीन साइंटिस्ट का मेनली नाम आता है, पहला एम्बेडर, दूसरा मेयरहॉफ, तीसरा पेरनास और एक चैपलिन। तो ये तीन और चार साइंटिस्ट का नाम आता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक ग्रीक वर्ड ग्लाइकस से आया है जिसका मतलब होता है स्वीट, जिसका मतलब शुगर। लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग, मीन्स ब्रेकडाउन। सो ये सिक्वेंशियल प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस में, जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, 1,6-बाई-फॉस्फेट एंड देन बहुत सारा मल्टी स्टेप रिएक्शन के बाद फाइनली क्या बनता है? पाइरूविक एसिड। दो चीज़ होता है ग्लाइकोलाइसिस में फ्री एनर्जी के फॉर्म में। एक होता है ATP जो डायरेक्ट बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं SLP। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे SLP क्या है, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और दूसरा होता है NADH2। NADH2 डायरेक्टली ATP तो नहीं बनाता है, लेकिन जब भी ये क्रेब साइकिल होते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है तो वो फाइनली हाइड्रोजन आयन की मदद से वापस ATP बनाता है। तो अल्टीमेटली ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट ये सबसेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं है। हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर में ग्लूकोज से फाइनली हम लोग क्या बनाए थे? पाइरूविक एसिड। यहाँ पे एक जगह NADH2 बना था और दो जगह ATP बना था, जबकि एक जगह ATP खर्च भी हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन में हम लोग टोटल 2 NADH2 से 6 ATP बनेगा, 2 ATP बनेगा यहाँ पे और यहाँ पे, और टोटल 8 ATP बनेगा, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे कि सारा स्टेप और ग्लूकोज का अल्टीमेट फेट क्या हो सकता है। एक तो हम लोग पढ़े थे कि हम लोग पाइरूविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम देन फाइनली CO2 NH2 बनाते हैं। बट व्हाट इफ ग्लूकोज के पास अगर ऑक्सीजन नहीं है ब्रेकडाउन होने के बाद? तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे ये एनारोबिक कंडीशन है। और एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है? CO2 बनता है लेकिन ATP का क्वांटिटी कम है, मतलब ये कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन कंपैरिजन टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो एक कॉमन एक चीज़ है जो है पाइरूवेट। पाइरूवेट तो बनेगा ही बनेगा, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन पाइरूवेट अगर हाइपोक्सिया कंडीशन में रहेगा, एनारोबिक कंडीशन में रहेगा, तो वो या तो इथेनॉल बनाएगा या तो लैक्टेट बनाएगा। लैक्टेट का सबसे अच्छा एग्जांपल है हैवी एक्सरसाइज। जब भी हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एज ATP। बट हमारे बॉडी में उतना ऑक्सीजन नहीं होता है, तो क्या करता है जल्दी जल्दी ATP बनाने के लिए, वो क्या करता है लैक्टिक एसिड पाथवे और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। और हमारा RBC विच इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल वेयर एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। RBC में हमेशा क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है, जिससे उसको लगातार एनर्जी मिलते रहता है। तो जब भी हम लोग लो ऑक्सीजन के कंडीशन में जाता है हमारा बॉडी, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड। और फर्मेंटेशन और इथेनॉल प्रोडक्शन का सबसे एग्जाम्पल होता है, अच्छा एग्जाम्पल है ईस्ट में। ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और बाई प्रोडक्ट बनता है इथेनॉल। इथेनॉल यूज़ करते हैं हम लोग अल्कोहल ब्रिवरी इंडस्ट्री में, और दूसरा इसका CO2 गैस जो इवॉल्व होता है उसको बेकरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक ब्रेड में जो पफनेस आता है वो होता है ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2।
सो बाकी प्लांट्स एंड एनिमल में जो ऑक्सीजन को यूज़ करता है वो क्या करता है, लास्ट एंड प्रोडक्ट बनाता है CO2 और H2O। आगे हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज जो बन रहा है वो आ कहाँ से रहा है। तो ग्लूकोज आता है किससे, ग्लाइकोजन से, और ग्लाइकोजन का जो सोर्स है वो है मसल एंड लीवर। तो जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है वो क्या है, ग्लाइकोजन, और वो कहाँ स्टोर्ड होता है, या तो मसल्स में या तो लीवर में। अगर सिमिलर क्वेश्चन पूछे कि फैट कहाँ पे स्टोर होता है, तो फैट स्टोर होता है एडिपोसाइट्स में। एनीवे, सो ग्लाइकोजन से क्या बनता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज दो पाथवे में जा सकता है, एक तो हम लोग ऑक्सीडेशन वाया ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड ऑल, एंड बाकी ऑक्सीडेशन वाया PPP, दैट इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। ये भी बहुत कॉमन है, कभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्या है और कैसे ऑपरेट होता है। एनीवे, स्टार्टिंग विथ ग्लाइकोलाइसिस, वी ऑलरेडी स्टडी लास्ट टाइम कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से फाइनल प्रोडक्ट बनता है क्या, पाइरूविक एसिड। ठीक है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। पहला जो है वो प्रिपेरेटरी फेज है, प्रिपेरेटरी फेज मतलब इसमें प्रिपरेशन होता है सो दैट अगले स्टेप पे हम लोग ATP को हार्वेस्ट कर पाए। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारे एंजाइम के बारे में, हेक्सोकाइनेज, आइसोमेरेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंड ऑल एंड ऑल। सो हम लोग देखेंगे शुरू से कि ग्लूकोज से प्रिपेरेटरी फेज में क्या इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एंड देन फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, ग्लिसरलिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट, इतना हम लोग लेते हैं फॉर द फर्स्ट फेज, दैट इज प्रिपेरेटरी फेज। हम लोग याद करने का तरीका देखे थे कि पहला दो ग्लूकोज होगा, दूसरा दो फ्रक्टोज होगा, एक एल्डिहाइड होगा, और नीचे जितना सारा है वो सारा का सारा एसिड होगा। तो प्रिपेरेटरी फेज में सारा का सारा दो ग्लूकोज, दो फ्रक्टोज, एक एल्डिहाइड आ गया, और बाकी सारा एसिड जो आएगा वो आएगा पे ऑफ फेज में, जब हम लोग ATP को हार्वेस्ट करेंगे और हम लोग NADH2 को भी बनाएंगे जो कि आगे ATP बनाने वाला है। तो इसमें पूरा ग्लाइकोलाइसिस में स्टेप है, ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, दो फ्रक्टोज, एक एल्डिहाइड, एक डाइहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट एंड 1,3-PGA एंड देन 3-PGA, 2-PGA, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट एंड देन पाइरूविक एसिड। तो इतना सारा चीज़ है जो हम लोग प्रिपरेटरी फेज में पढ़े थे। दूसरा हम लोग देखते हैं पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज में क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से फाइनल प्रोडक्ट बनता है एज पाइरूविक एसिड। इसमें हम लोग मल्टी स्टेप रिएक्शन देखेंगे, एक जगह NADH2 बनता है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को दो मॉलिक्यूल कंसिडर कर चुके हैं, क्योंकि DHAP को भी हम लोग 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कंसिडर किए थे। फाइनल प्रोडक्ट बनता है पाइरूविक एसिड, और यही है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये पे ऑफ फेज है क्योंकि इसमें ATP प्रोड्यूस होता है। कितना होता है हम लोग देखे थे, 4 होता है, लेकिन इसमें 2 वापस माइनस हो जाता है क्योंकि एक्टिवेशन फेज में 2 ATP ऑलरेडी खर्च हुआ। तो नेट गेन कितना होता है, 2 ATP का, 4-2। हम लोग बात किए थे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, SLP, बहुत कॉमन टर्म है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि SLP क्या है। SLP वो है जब भी ATP प्रोड्यूस हो रहा है सिर्फ एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप के कारण, तो हम लोग बोलेंगे उसको क्या, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, मतलब तुरंत बना है और सबस्ट्रेट में ऐड किया ATP बन गया। तो एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ATP। लेकिन NADH2 से डायरेक्ट ATP नहीं बनेगा, उसको जाना पड़ेगा कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तब जाके वो ATP का प्रोडक्शन करेगा। तो हम लोग देखेंगे नेट गेन जो हुआ है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में हुआ है वो 2, क्योंकि 2 ऑलरेडी खर्च हो चुका है। नेट गेन ग्लाइकोलाइसिस से कितना हुआ है, 2 हुआ है ATP के फॉर्म में और 6 हुआ है NADH2 के फॉर्म में, टोटल 8 ATP। लेकिन ये 6 ATP तभी बनेगा जब हम लोग ग्लाइकोलाइसिस से आगे के स्टेप में जाएंगे, नहीं तो ये नहीं बनेगा, काउंट ही नहीं होगा। अगला, अगला हम लोग देखते हैं कि पाइरूविक एसिड का क्या फेट हो सकता है। या तो ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब साइकिल में जाएगा लिंक रिएक्शन के होते हुए, या तो वो इथेनॉल फर्मेंटेशन में जाएगा या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जाएगा। ये हम लोग नॉर्मल प्रोसेस से हट के ले रहे हैं जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है, इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जब भी ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी नहीं है सेल के अंदर या फिर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो कैसा किस स्टेप में जाएगा। पहला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें हम लोग बताए थे क्या प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड
और इथेनॉल फर्मेंटेशन में प्रोड्यूस होता है इथेनॉल। याद रखना है कि ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, क्या? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और इथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो टू स्टेप प्रोसेस है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि जो भी NADH2 प्रोड्यूस हुआ था ग्लाइकोलाइसिस में, दोनों के केस में, वो यूटिलाइज हो जाएगा कहाँ पे? इथेनॉल बनाने में या फिर लैक्टिक एसिड बनाने में। तो हम लोग देखेंगे कि ये टू स्टेप प्रोसेस में क्या हो रहा है कि पाइरूविक एसिड डायरेक्टली इथेनॉल नहीं बना रहा है, ये क्या बीच में बना रहा है? एल्डिहाइड बना रहा है। और इस एल्डिहाइड के बेसिस पे कुछ ड्रग्स डिजाइन किया जाता है जो अल्कोहल एडिक्शन को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। बाद में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे काम करता है एंड ऑल। सो अगर एसिटाल्डिहाइड से इथेनॉल नहीं बनाएगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, वो वॉमिट करेगा एंड देन उसको अच्छा फील नहीं होगा, दैट्स वाई दे विल स्टॉप ड्रिंकिंग अल्कोहल फ्रॉम नेक्स्ट डे। एनी वे विल डिस्कस दिस समटाइम लेटर। सो यहाँ पे लैक्टिक एसिड का दो फेट हो सकता है, या पाइरूवेट का दो फेट होता है, या तो लैक्टिक एसिड बनाएगा या तो इथेनॉल बनाएगा। इथेनॉल बनाएगा तो या तो अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज़ होगा, और अगर CO2 को यूज़ करेंगे तो बेकरी इंडस्ट्री में यूज़ होगा, CO2 से पफनेस ब्रेड लाने के लिए। छोटा सा टॉपिक और है, लिंक रिएक्शन। ऑलरेडी लेक्चर में इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, पाइरूविक एसिड अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रहा तो पाइरूविक एसिड क्या बनाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ये बनाएगा, और इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है CO2 निकल रहा है, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 एडिशन, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 क्या रहा है, निकल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये CO2 निकल जाएगा और ये बनेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए कॉमन है सबके लिए, या तो वो ग्लूकोज से बनाएगा, या तो अमीनो एसिड से बनाएगा, या तो फैट्स से बनाएगा। तो कोई भी प्रोसेस रहे, या तो प्रोटीन खाओ, या तो कार्बोहाइड्रेट खाओ, या तो फैट खाओ, जो कॉमन चीज़ बनेगा तुम्हारे बॉडी में वो क्या बनेगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। और यही आगे जाएगा किसी भी साइकिल में, ओके? तो ये सबसे कॉमन चीज़ है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एनीवे हम लोग यहाँ से देखें, ग्लूकोज से बनेगा पाइरूविक एसिड, पाइरूविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए। आगे हम लोग क्रेब साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्रेब साइकिल से NADH2 बनेगा, FADH2 बनेगा, जिसको ATS में ला के फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे ATP, ठीक है? और हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा क्या? H2O। बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। लिंक रिएक्शन में देखे थे हम लोग, ये पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोग PDH भी बोलते हैं कॉमनली, PDC, पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, एनीवे PDH कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको। सो इसमें पांच चीज है, MCLNT। ऐसे याद करने का तरीका है, एक झारखंड में कॉलेज है धनबाद, LNT, तो उससे याद रखे थे, मोस्ट कॉमन कॉलेज, मोस्ट कॉमनली लोग पढ़ते हैं MCLNT कॉलेज। एनीवे सो MCLNT इज फॉर Mg2+, कोएंजाइम ए, एल फॉर लाइपोइक एसिड, एन फॉर NAD, एंड टी फॉर TPP। यहाँ पे वर्ड यूज होता है पायरोफॉस्फेट, बहुत किसी को इसका मतलब नहीं पता होता पायरोफॉस्फेट क्या है। पायरोफॉस्फेट कुछ नहीं, ATP से क्या करो, ATP में तीन फॉस्फेट होता है, जैसे कोई भी पहला फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, तीन फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट अगर हटा दो तो दो फॉस्फेट बचेगा, और ये बहुत हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है। एडिनिन रहे तो उसको हम लोग एडिनिन पायरोफॉस्फेट बोल देंगे, अगर थायमिन है इस केस में तो क्या बोल देंगे इसको, थायमिन पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट मतलब दो फॉस्फेट है, ट्राईफॉस्फेट मतलब तीनों फॉस्फेट है, और न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि ये TPP क्या है, दैट इज थायमिन पायरोफॉस्फेट, और यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ तक हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, क्या क्या? पहला पढ़ लिए थे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ था, ग्लूकोज से फाइनल प्रोडक्ट बना था पाइरूविक एसिड, और ये मल्टी स्टेप रिएक्शन था। एंजाइम्स का नाम ऑलरेडी हम लोग याद कर चुके थे, कुछ कुछ धोनी का टर्म लगा के, एनीवे लास्ट लेक्चर में है वो। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, पाइरूविक एसिड को देखिए कि हम लोग या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा या तो एब्सेंट होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा और क्रेब साइकिल के थ्रू एंटर करेगा। अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है तो या तो वो लैक्टिक एसिड बनाएगा या तो वो क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा। अगर लैक्टिक एसिड बनाएगा इसका मतलब एनरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जस्ट इन एग्जांपल इन केस ऑफ मसल ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, हम लोग के बॉडी के मसल्स में क्या होता है, पाइरूविक एसिड से लैक्टिक एसिड बन जाता है और लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है मसल्स में। तो जब भी अचानक से आज हम जिम जाना चालू किए तो मेरे बॉडी में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, और जब लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है तो वो पेनफुल होता है एक दो दिन के लिए, और धीरे 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 वो कोरी साइकिल के थ्रू, लीवर्स के थ्रू वापस
ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब तक वो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट रहेगा किसी भी मसल सेल्स में वो पेनफुल होता है। इसीलिए जस्ट एक्सरसाइज के बाद, हैवी एक्सरसाइज के बाद अचानक से बॉडी में पेन होना चालू हो जाता है। अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका बॉडी अडेप्ट हो जाता है और लैक्टिक एसिड का सिंथेसिस नहीं होता या बहुत कम होता है। उसके बाद हम लोग पाइरूविक एसिड बनने के बाद हम लोग देखते हैं लिंक रिएक्शन में क्या होता है। पाइरूविक एसिड से बनता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, पाइरूविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज था 6 कार्बन का और वो बना है कितना, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल 2 बना क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन का है और कंजर्वेशन कोई भी CO2 नहीं निकला। अगर CO2 नहीं निकला इसका मतलब है क्या कि कोई भी कार्बन का लॉस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है पूरे के पूरे रिएक्शंस में। अगर एसिटाइल कोएंजाइम बना है पाइरूविक एसिड से और अगर 2 कार्बन का है तो बीच में कहीं ना कहीं CO2 का लॉस हो रहा है, और ऑफकोर्स होता है क्योंकि इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। जब भी CO2 का लॉस होगा इसका मतलब कार्बन का नंबर रिड्यूस होगा ऑफकोर्स। तो पाइरूविक एसिड 2 बनता है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो जब भी पाइरूविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ये बनेगा इसका मतलब क्या है कि 1 कार्बन का लॉस बिल्कुल होगा फॉर श्योर। यहाँ तक का कहानी है ग्लाइकोलाइसिस का। तो इसमें एक जनरल ऑब्जर्वेशन है कि नेचर रिएक्शंस को कितना सही तरीके से डिज़ाइन किया है और एनर्जी हार्वेस्ट किया है, लाइक एनर्जी हार्वेस्ट करने का कितना सही तरीका है कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बना दिया, ओके, और 6 कार्बन का मॉलिक्यूल को क्या किया, 3-3 कार्बन में तोड़ दिया। तो कुछ नहीं किया, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल को 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया है, और उसी के बीच में क्या किया है, और उसी के बीच में वो क्या किया है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल को 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके ATP हार्वेस्ट कर लिया है। तो कितना स्मार्ट टेक्निक है, लाइक ग्लाइकोलाइसिस से कुछ नहीं किया, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल को 3-3 कार्बन में कन्वर्ट कर दिया है और उससे 4 ATP हार्वेस्ट कर लिया। 2 ATP खर्च हो गया, 2 ATP एटलीस्ट फाइनल बना और NADH2 बना, या तो अगर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो यूटिलाइज हो जाएगा इथेनॉल या लैक्टिक एसिड बनाने में, और अगर यूटिलाइज नहीं हुआ और अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया तो वो आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP बनाएगा फाइनली। तो इस लेक्चर का समरी यही है, और आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग रिगार्डिंग क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इफ यू लाइक द लेक्चर यू नो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड गिव अ सपोर्टिव कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। Let me know if you need a specific lectures about any topic and I'll definitely help you out. Thank you for staying connected with JK Lectures and happy learning.